मोहम्मद विलायत बात कर रहा हूँ जी, सांगर से। जी क्या कहना चाहेंगे जी? डॉक्टर साहब दो तीन दिन हो गया मुझे टट्टी नहीं आ रही। दोस्तों टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद हर कदम पे बेइज्जती होने का डर लगा रहता है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के लाइव शोज में लोगों के साथ होने वाले ऐसे वाकयात दिखाएंगे जो इनके लिए काफी शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, कहते हैं कि इंसान को अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन एक शो में मतीरा लाइव कॉलर से बात कर रही होती हैं, तो ये कॉल पर बात करने वाला शख्स अपने जज्बात को लाइव टीवी पर शेयर कर देता है। आर 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 आ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आर 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 आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। आर 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 बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। आर आपके एक्सट्रीमली नियत खराब वाला बंदा पेश आ गया है। एंड दैट्स सैड, दैट्स सैड, दैट्स सैड। पाकिस्तान इतने फ्रस्ट्रेटेड तुसी हो, जाओ अपनी बेगम के पास, बेगम नहीं है शादी करो यार, कुछ करो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो यार, लाइव जगह नहीं होती बिटवा फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। नंबर टू, दोस्तों मतीरा की बात हो ही रही है तो जरा इसके एक और कॉलर के जज्बात भी आप सुन लीजिए। मंसूर है, बाल तो पीछे करे जी, बाल तो अपने पीछे करे क्यों, जो चीज देखनी है में आते। नंबर थ्री, दोस्तों खुश फहमी का शिकार तो सभी हो जाते हैं, अदाकारा लैला की खुश फहमी का भी कोई मुकाबला नहीं। एयरपोर्ट से निकलते ही इतने लोगों का हजूम देखकर ये समझ बैठे कि ये इनके फैंस हैं और इनके इस्तकबाल के लिए आए हैं, मगर जब लैला ने इनसे हाथ मिलाए और कैमरे को देखा तो वो शर्मिंदा होकर उसी राह पे वापस चली जाती हैं। वो तो बाद में मालूम होता है कि ये लोग लैला के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज के इंतजार में खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, मगर लैला शायद ये समझी। नंबर फोर, दोस्तों क्रिकेटर्स की बात हो ही रही है तो क्यों ना शुएब मलिक की बात भी कर ली जाए। एक शो में जब ये एक्ट्रेस के साथ मेहमान बनकर आते हैं तो इस एक्ट्रेस की अजीबोगरीब बातों का वो बड़ी ही तहजीब के साथ जवाब देते हैं। इरादा तो इस एक्ट्रेस का शुएब मलिक की बेइज्जती का था, मगर शुएब मलिक ने भी मौके पर चौका मार के इस एक्ट्रेस की बात का भरपूर जवाब देते रहे। बैकस्टेज बोला था वो बड़े स्मार्ट लग रहे होते हैं। बैकस्टेज तो और भी बहुत कुछ हुआ था, हमने देखा था। वो भाई थे जितने, आप मेरे भी भाई जन ही हो, आप भी मेरी बहनों की तरह है, फिक्र ना करें। अपनों में बैठ के ना इज्जत बेइज्जती नहीं होती, एंजॉय करने आया हूँ मैं यहाँ पे। ये हमेशा वो इंसान कहता है जो बेस्ट हो रहा होता है, ये हमेशा बेस्ट पार्टी की फेवरेट लाइन होती है। आज आई थी वट्टी मरासन माशाल्लाह, मैं एक्चुअली तारीफ कर रही हूँ, मुझे क्यों दीदी पता क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जंप मार के पीछे आ जाता है। कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिली, आप मेरा मतलब समझ रहे हो? आपका तो उसको संभालो, ये पहले व्हाइट था, इसने हाथ लगाया तो ऐसा हो गया। कम से कम व्हाइटनिंग क्रीम के बिफोर वाले इश्तिहार जो भी है एंड आफ्टर वाली वाला के बाद, हाँ तो लाइटों में बैठी रहोगी तो ऐसे ही होगा ना, हमारी तरह धूप में जाओ पता चले नजर भी नहीं आओगी। वो तवा नहीं होता, तवा जिसमें पराठे पकाते हैं। अगर इसे स्कूल में तवज्जो दी होती और बल्लों के साथ ना खेल रहा होता तो आज ये दिन ना दे एनु लगता। नंबर फाइव, दोस्तों अदाकारा वीना मलिक को भी इनकी होस्टिंग काफी महंगी पड़ जाती है, जब वो तोबा और माँ बाप की नाफरमानी पे माफी मांगने का लेक्चर दे रही होती हैं, तो इसी दौरान कॉल पे एक आदमी ने इसको खूब सुना दिया। वो आदमी भी शायद गुस्से से भरा पड़ा था, जो सारा का सारा गुस्सा वीना मलिक पे निकाल देता है। नंबर सिक्स, दोस्तों अब जैसा कि मॉर्निंग शोज में लोगों को बुला के किसी बात पे उनकी बेइज्जती करना तो एक ट्रेंड सा बन चुका है, ऐसे एक शो में इस होस्ट ने नासिर खान जान को इनकी वीडियोस पे इन्हें काफी बेइज्जत किया था। वाले मेरे प्राउड करते हैं मुझ पे, सीरियसली मुझे प्राउड करते हैं कि मैंने अपना मेहनत किया, अपने मेहनत से भाई यार, सॉरी
वो लाइनर वाली नहीं, उसमें क्या वाहियात यार, क्या फनी वीडियोस आपको वाहियात लगती है? फनी क्या था नासिर उसमें, ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ, व्हाट वाज फनी इन दैट? इसलिए आप जानते हैं ऐसी वीडियोस, क्योंकि आप ऐसी वीडियोस में मसलन जनरल कौन से वीडियो? मसलन ये है कि मैंने लोगों को जो है ना हेल्थ के हवाले से मैंने काफी लोगों को मोटिवेशन की, मैं एक डॉक्टर हूं फैमिली का। मसलन ये है कि मैंने स्किन के हवाले से लोगों को बताया स्किन के लिए आपको क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ स्किन स्पेशलिस्ट? बस बस नासिर बस बस थोड़ा हौसला रखें, थोड़ा हौसला रखें। नहीं, फॉर यू इट कुड बी एंटरटेनमेंट, फॉर मी इट्स नॉट। आपके फॉर मी इट्स नॉट, फॉर यू इट्स नॉट। यस, ये आपकी है ना, आप मैं अपनी राय सोचिए, आप मैं अपनी राय दे रहा हूँ। जिस तरह आप उन कमेंट्स को बर्दाश्त करते हैं, मैं चाहूंगा आप इस राय को भी बर्दाश्त करें। मैंने हमने वीडियो की बात की है ना सर, वीडियो की बात, मैंने एक वीडियो की बात की है, तो वीडियो में आज तक एक नासिर खान जान के वीडियो एक तरफ, इस होस्ट को क्या ऐसा करना चाहिए था हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, दोस्तों इसी तरह डॉक्टर अमर लियाकत की कुछ ऐसे ही बातों से तो आप खूब वाकिफ होंगे। इनमें से हम आपको एक दिखाएंगे जिनमें इन्होंने सिंगर ताहिर शाह के गानों का खूब मजाक उड़ाया और कभी इनके बालों का मजाक उड़ाया। मिल रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है और अप्रिसिएशन इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। अच्छा, इजारे राय का हक हासिल है सबको, जो भी कहते रहे और आपका जो दिल चाहेगा वो आप करते रहेंगे। काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और पॉजिटिव नोट्स पे करना चाहिए। सही। बाकी सारे सिलसिले चलते रहते हैं। बाल आपके असली हैं या लगवाए हैं आपने? नेचुरल हैं। ये सारे नेचुरल हैं? ये बाल देखें, इनके बाल, इन बालों पे किसी दिन कोई जिन आशिक हो जाएगा, सिर्फ इन बालों पर, जैसे इन आंखों पर कोई आशिक हो चुका है। ये आंखें आई टू आई, ये कहां से आई, ये आई टू आई, मेरी मछलियां आज मर न जाएं, आई टू आई सुनाइए, आइए आई टू। नंबर 8, दोस्तों लगता है डॉक्टर अमर लियाकत साहब को अपनी तारीफ करवाने का बहुत ही शौक है, तभी तो एक बंदा जब शेर सुनाने लगता है तो वो अपनी नजर करवाना चाहते थे, लेकिन फिर जो हुआ वो हंसी निकाल देता है। इजाजत हो तो तेरे चेहरे को जी भर के देख लूं। देखो इजाजत हो तो तेरे चेहरे को जी भर के देख लूं, 17 दिन से इन आंखों ने कोई शैतान नहीं देखा। अल्लाह 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 अल्लाह। नंबर 9, दोस्तों इस टीवी होस्ट को एक कॉलर ने इनके कपड़ों की वजह से खड़ी खड़ी सुना दी, क्या इस कॉलर ने सही कहा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी क्या हाल है? ठीक हो जी, मैं शबीर तो बोलता, क्या हाल है तुहाडा? ठीक हो? बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुहाडा इससे कॉल कीती। तुहाडा ए ए तुसी ए तुसी कपड़े कैदे पाड़े, कोई शर्म करो, एक ए तुसी अपना बनाया हाल, बहुत शर्म दी गल है तुहाडे वास्ते। नंबर 10, दोस्तों इसी तरह मीरा भी खबरों पे आए दिन छाई ही रहती हैं, लेकिन जब इनसे एक एंकर ने माली तंगी का सवाल पूछ लिया तो फिर मीरा का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं लेता है और वो शर्मिंदा होने की वजह से शो छोड़कर चली जाती हैं। मोहब्बत वाला शो चाह रही थी, मोहब्बत करना नादिया। अगर मैं आज मीरा बनकर शो करूं तो फिर वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट अपना वापस लें, अनप्रेडिक्टेबल बुरा है ही नहीं वर्ड, बोली है या बनती है कि ये आज शो पे आई है और जो हुआ है उसके बाद मैं इनको कभी शो पे नहीं बुलाऊंगी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।